चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट जूलॉजी में हम लोग देख रहे थे, राइट। और यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, सॉरी यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है। यूनिट सेकंड में हमारा आर्थोपोडा है, तो आर्थोपोडा के जनरल करेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसके सेलेंट फीचर सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए थे। आज जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो आर्थोपोडा के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन सिस्टम, पूछा जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें लिखा है, हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, और इसके अंतर्गत लिखिए यह एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा फाइलम माना जाता है। दैट मीन्स फाइलम आर्थ्रोपोडा आर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का माना जाता है, कौन? फाइलम आर्थ्रोपोडा, इस बात को याद रखिएगा, माना जाता है। जिस कारण फाइलम आर्थ्रोपोडा को मुख्यतः तीन सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। मुख्यतः तीन सब फाइलम में क्या किया जाता है बेटा, इसको डिवाइड किया जाता है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक सब फाइलम मैंडिबुलेटा, नंबर दो कैलिसिरेटा, CHELICERATA, कैलिसिरेटा, एंड नंबर 3 ट्राइलोबाइटा, TRILOBITA, ट्रिलोबाइटा या ट्राइलोबाइटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो तीन सब फाइलम में स्पेशली फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड किया गया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फाइलम है, इसलिए इसको तीन सब फाइलम के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है मैंडिबुलेटा, दूसरा है कैलिसिरेटा, और तीसरा यहाँ पर है ट्राइलोबाइटा। तो ट्राइलोबीटा या ट्राइलोबाइटा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते थे, मैंने बोला आते थे, दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म अब रखे सॉरी यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो मुख्य जो हमारे फाइलम है वो दो है, सब फाइलम है हमारे वो कौन से दो है, एक तो है मैंडिबुलेटा, दूसरा है कैलियोसेरेटा। तो ये दो सब फाइलम इंपॉर्टेंट है किसके अंतर्गत, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, ठीक है। और जो यहाँ पर ट्राइलोबाइटा है, ट्राइलोबाइटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए थे वो सभी के सभी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए सब फाइलम मैंडिबुलेटा, और इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लें। तो पहली हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, इसके अंतर्गत लिखे हैं, इस सब फाइलम में मुख्यतः 6 क्लासेस को रखा गया है, यानी कि ये जो सब फाइलम मैंडिबुलेटा है इसमें 6 क्लासेस रखी गई हैं। इस सब फाइलम में मुख्यतः 6 क्लासेस को रखा गया है, जिसमें नंबर 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसको हमें डिस्कस भी करना है, उसके जनरल फीचर्स को पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्टेशिया, नंबर 1 क्रस्टेशिया। तो पहली क्लास जो यहां पर है वो कौन सी रखी गई है, सब फाइलम मैंडिबुलेटा में क्रस्टेशिया क्लास रखी गई है, और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट से व्यू से, और क्लास क्रस्टेशिया जो है इसके जनरल फीचर भी अलग से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो यहां पर जो क्रस्टेशिया है वो इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आपकी जो सेकेंड यहां पर क्लास रखी गई उसका नाम यहां पर दिया गया है डिप्लोपोडा। ये कुछ खास क्लास नहीं है, और MSc वगैरह में आपको इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके बारे में डिस्कस करना हो, लेकिन यहां पर नहीं करना है। तो क्रस्टेशिया इंपॉर्टेंट है, क्रस्टेशिया के अंतर्गत आपके कई एग्जाम्पल रखे गए, कई ऑर्गेनिज्म रखे गए,
जिसमें से हम लोग प्रॉन के या पेलेमॉन झींगा मछली जिसको बोलते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिप्लोपोडा इतना खास नहीं है। थर्ड यहाँ पर जो क्लास रखी गई है वो है कीलोपोडा। थर्ड क्लास यहाँ पर है कीलोपोडा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन फोर्थ क्लास यहाँ पर जो आपके इंक्लूड की गई है वो है सिम्फाइला। सिम्फाइला तो फोर्थ क्लास कौन सी यहाँ पर इंक्लूड की गई है? सिम्फाइला इंक्लूड की गई, ये भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन पांचवी जो क्लास यहाँ पर रखी गई है, फिफ्थ क्लास जो यहाँ पर है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग माइरिया पोडा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पारोपोडा। माइरिया पोडा या पारोपोडा, ये माइरिया पोडा या पारोपोडा के अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स को रखा गया है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा नंबर में क्या पाए जाते हैं, आपके लेग्स पाए जाते हैं, आपके नहीं बल्कि इनके अंदर लेग पाए जाते हैं। जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में हम कहें बेन, है ना, बेन वगैरह जो रखी गई है वो माइरिया पोडा में रखी गई है या पारोपोडा के अंतर्गत रखी गई है, राइट। ये आपकी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्लास आपकी जो सॉरी फिफ्थ क्लास है जिसको थर्ड क्लास के रूप में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सिक्स यहाँ पर जो आपकी लास्ट क्लास रखी गई है जिसका नाम है इंसेक्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेक्टा क्लास, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्लास हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा जो है इसके अंदर छह क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, पहली क्रस्टेशिया, दूसरी डिप्लोडा, तीसरी कीलोपोडा, चौथी सिम्फाइला, पांचवी यहाँ पर माइरिया पोडा या पारोपोडा के नाम से भी इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट इसको डिस्कस करना है, और क्लास इंसेक्टा, इसके भी जनरल फीचर्स के बारे में आपको डिस्कस करना रहेगा, राइट। तो इन तीन क्लास से जो यहाँ पर तीन क्लास मैंने अभी इंक्लूड की गई है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, बाकी की आपको क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी की आपको क्लास के जनरल फीचर भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बीएससी लेवल के ऊपर ये आपके एमएससी वगैरह में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। बाकी तो आपको यहाँ पर जो तीन क्लासेस हैं इनके जनरल फीचर वगैरह पढ़ना है, और एक आपका ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखा गया है क्रस्टेशिया में जिसका नाम है पेलेमॉन, या हम इसको झींगा मछली कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यही फाइलम आर्थ्रोपोडा में बीएससी में आपको पढ़ना भी है। अदर यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ पर हो सकता है कि पेलेमॉन के अलावा कोई और भी इंसेक्ट, राइट, इंसेक्ट का कोई मेंबर हो सकता है जिसके बारे में डिस्कस करना रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में आपका यहाँ पर जो पेलेमॉन रखा गया है, प्रॉन रखा गया है, राइट, झींगा मछली जो रखी गई है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो पहली जो क्लास यहाँ पर मतलब छह क्लासेस जो यहाँ पर रखी गई, इनमें जो छह क्लासेस, पहली क्लास है क्रस्टेशिया, ये हेडिंग डाल दीजिए और इसके बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद में हम लोग माइरिया पोडा पढ़ेंगे, फिर इंसेक्टा पढ़ेंगे, फिर देन हम लोग यहाँ पर सब फाइलम मैंडिबुलेटा के बाद में जो आपका सेकेंड है कैलिसेरेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारी पहली क्लास यहाँ पर क्रस्टेशिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जनरल फीचर आपको लिखने को पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए क्लास क्रस्टेशिया और इसके बारे में जनरल फीचर लिख लें। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखे हैं, इस क्लास के सदस्य यानी कि यहां पर जो मेंबर रखे गए इस क्लास के सदस्य एक्वाटिक मतलब जलीय होते हैं, इस क्लास के सदस्य एक्वाटिक दैट मींस जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं या एक्वाटिक एटमॉस्फियर में पाए जाते हैं, एटमॉस्फियर में पाए जाते हैं या एक्वाटिक होते हैं आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लें बेटा यहां पर, इनकी बॉडी यानी कि इनका जो शरीर है वो रियलिटी में तीन भागों में डिवाइड रहता है, इनकी बॉडी हेड कॉमा थोरेक्स व एब्डोमिनल रीजन में, इनकी बॉडी हेड कॉमा थोरेक्स व एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड रहती है, विभाजित रहती है, ठीक है, तथा हेड व थोरेक्स रीजन
हेड व थॉरेक्स रीजन आपस में मिलकर सिफेलोथॉरेक्स रीजन हेड व थॉरेक्स रीजन आपस में कंबाइंड होकर मिलकर सिफेलोथॉरेक्स रीजन का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। इन सदस्यों में अपेंडेजेस दैट मीन्स उपांग इन सदस्यों में अपेंडेजेस दैट मीन्स उपांग बाई रेमस कहने का मतलब होता है बेटा द्विशाखित बाई रेमस व मेनी पेयर्स बहुत सारे जोड़ों में ठीक है मेनी पेयर्स कई जोड़ों में होते हैं। तो इन सदस्यों में जो बेटा अपेंडेजेस पाए जाते हैं उपांग पाए जाते हैं वो बाईरेमस होते हैं द्विशाखित होते हैं व मेनी पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं राइट। अगला पॉइंट लिख लीजिए इनमें रेस्पिरेशन या इन सदस्यों में रेस्पिरेशन यानी श्वसन इन सदस्यों में रेस्पिरेशन गिल्स की सहायता से होता है। इनमें एक्सक्रीशन अगर हम लोग इनके उत्सर्जन की बात करें ठीक है इनमें एक्सक्रीशन कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिख लें इसी में इन सदस्यों में टू पेयर यानी कि दो जोड़े एंटीना इन सदस्यों में टू पेयर एंटीना दो जोड़े एंटीना कमा एक जोड़ा मैंडिबल वन पेयर मैंडिबल कमा दो जोड़ी मैक्सिला टू पेयर्स मैक्सिला टू पेयर्स मैक्सिला पाए जाते हैं। तो इनके अंदर हम स्पर्शक की बात करें अगर सेंस ऑर्गन या स्पर्शक की बात करें तो इनमें दो जोड़ी क्या होते हैं एंटीनी पाए जाते हैं या एंटीना पाए जाते हैं एक जोड़ा इसमें यवन पेयर मैंडिबल पाए जाते हैं और दो जोड़ी इनमें क्या पाए जाते हैं मैक्सिला पाए जाते हैं। ये इनकी एक खास बात है ठीक है। तथा हेड यानी कि जो उनका सर होता है तथा हेड फाइव सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है यानी कि इनका जो हेड होता है उसमें पांच सेगमेंट पाए जाते हैं क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत रखे गए जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर राइट। चलिए अगला पॉइंट इसमें लिख लें इंपॉर्टेंट है इनकी बॉडी के ऊपर यानी कि इनका जो शरीर होता है इनकी त्वचा जो होती है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है हम कह सकते हैं एक चर्म पाया जाता है एपिडर्मिस पाई जाती है जिसको हम लोग केरापेज कहते हैं। तो क्या लिखा इनकी बॉडी के ऊपर कैरापेज CARAPACE इनकी बॉडी के ऊपर कैरापेज नामक
एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, कैरापेज नामक एपिडर्मिस पाई जाती है या बैक स्किन पाई जाती है, ठीक है, जो कि इनके शरीर को बाह आघातों से, जो कि इनके शरीर को बॉडी को बाह आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है, बाह आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इन सदस्यों में डेवलपमेंट, अगर हम लोग इनके विकास की बात करें, इनमें अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो वो कैसा होगा, तो इन सदस्यों में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है, इन सदस्यों में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार से होता है, दैट मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है, विकास पाया जाता है, और ऐसा डेवलपमेंट जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से डेवलपमेंट पाया जाए या अप्रत्यक्ष पाया जाए या इनडायरेक्ट पाया जाए, तो उसके डेवलपमेंट में लार्वा क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो इनमें कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया इन सदस्यों में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है तथा इनमें लार्वल स्टेज नॉप्लियस NAUPLEUS नॉप्लियस कॉमा जोइया ZOAEA जोइया तथा मेटाजोइया के रूप में डेवलप होते हैं। लार्वल स्टेज नेप्लियस जोइया तथा मेटाजोइया के रूप में डेवलप होते हैं या होती हैं। लास्ट पॉइंट लिख लें इसमें, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि जो श्वसन वर्णक है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि जो श्वसन वर्णक है उसकी बात कर रहे हैं, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन HAEMO हीमोसाइनिन CYANINE हीमोसाइनिन के रूप में NYN हीमोसाइनिन के रूप में पाया जाता है। तो अधिकतर आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्लास सब फाइलम मैंडिबुलेटा के क्लास क्रस्टेशिया में जो सदस्य पाए जा रहे हैं इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोसाइनिन के रूप में, इस बात को याद रखिएगा, राइट। अब नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके एक स्टेटमेंट लिखें, क्लास क्रस्टेशिया यानी कि जो क्लास क्रस्टेशिया है इसको कितने सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, तो ये भी पूछा जाता है, तो लिख लीजिए क्लास क्रस्टेशिया को 7 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास क्रस्टेशिया को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिन्हें क्रमशः, तो यहां पर मैंने बताया कि क्लास क्रस्टेशिया को 7 क्लासेस में क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया, तो कौन कौन सी क्लास है उसके बारे में देख लीजिए फटाफट। तो पहली यहां पर जो क्लास रखी गई है वह है सिफेलोकार्डिया, दूसरी यहां पर है ब्रांकियोपोडा, तीसरी यहां पर जो क्लास रखी गई है वो है ऑस्ट्रेको या ऑस्ट्रेकोडा, और फोर्थ सब क्लास यहां पर दी गई उसका नाम है कोपीपोडा, फिफ्थ यहां पर है मिस्टेकोकॉर्डिया, और यहां पर सिक्स सब क्लास रखी गई है सीरीपीडिया, और सेवंथ यहां पर जो क्लास रखी गई है वो है मेलेकोस्ट्रेका। ये सात जो सब क्लासेस हैं, 7 जो सब क्लासेस हैं क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत रखी गई हैं। इन्हें अगर आप याद भी नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इतना याद रखना चाहिए कि क्लास क्रस्टेशिया को 7 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बात खत्म। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो क्लास क्रस्टेशिया में आपके पाए जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म आपका है वो है पैलेमोन,
जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके हैबिट हैबिटेट क्लासिफिकेशन, राइट। और आपको यहाँ पर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, मतलब सिस्टम पढ़ना है। आपको पता है सेकेंड पेपर में स्पेशली हमको क्या पढ़ना है, सिस्टम पढ़ना है सभी का। तो क्या क्या सिस्टम में आते हैं इसके अंतर्गत, क्या क्या इंपॉर्टेंट, वही मैं पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाने वाला। और यहाँ पर एक एग्जाम, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि कंपाउंड आई क्या होती है। तो कंपाउंड आई पैलेमोन में पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, कंपाउंड आई के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, राइट। तो पहला हमारा क्या है, पैलेमोन, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग प्रॉन भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पर जो रखा गया है वो है डैफनिया, जिसको वाटर फ्लिया, समुद्री पिस्सू के नाम से इसको जानते हैं। लेपिस, तो लेपस, लेपस जो यहाँ पर है ये भी रखा गया, ये क्रस्टेशियन है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और रखा गया जिसका नाम है एस्टेकस, एस्टेकस को हम लोग क्रे फिश के नाम से जानते हैं। क्रे फिश, फिश एक्चुअल में ये मछली नहीं होती, ये फॉल्स फिश है, लेकिन हम इसको फिश के जैसी ये दिखाई देती है, इसलिए इसको हम लोग क्रे फिश के नाम से जानते हैं, राइट। फिर उसके बाद में है यूपेग्यूरस, यूपेग्यूरस को हम लोग हर्मिट क्रैब के नाम से जानते हैं, केकड़ा, राइट। उसके बाद में सेकुलिना और कैंसर, ये दो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए, और भी यहाँ पर क्रस्टेशियन है जो रखे गए, लेकिन इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको आपके बीएससी के लेवल पर है, वो है पैलेमोन, राइट, जिसको हम लोग प्रॉन या झींगा के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ना है। तो क्लास क्रस्टेशिया हमारा फिनिश हुआ, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सब फाइलम मैंडिबुलेटा के बारे में, राइट। तो हमारी सेकंड क्लास कौन सी है, यहाँ पर पारुपोडा या मायरियापोडा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर हम लोग सब फाइलम मैंडिबुलेटा में उन क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्लासेस को डिस्कस करिएगा, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलेगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं है, वो आपकी हायर लेवल जब आप एमएससी वगैरह करेंगे तो वहां पर आपको एग्जाम के अंदर या उसमें आपको कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्रस्टेशियन में रखे गए वो पढ़ने हैं, राइट। तो क्लास पारोपोडा या मारियापोडा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखे गए और इसके क्या जनरल फीचर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं, इस क्लास में पाए जाने वाले सभी सदस्य, इस क्लास में पाए जाने वाले सभी सदस्य टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाएंगे, स्थल पर पाए जाएंगे, भूमि पर पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा यहां पर रहेगा, इन सदस्यों की बॉडी, इन सदस्यों की बॉडी लॉन्ग, दैट मीन्स लंबी एंड क्रमी रूपी, वार्म लाइक, लंबी और वार्म लाइक क्रमी रूपी या क्रमी नुमा होती है। इन सदस्यों की बॉडी लंबी होती है और कैसी होती है, वार्म लाइक होती है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों के हेड में पांच सेगमेंट, इन सदस्यों के हेड में पांच सेगमेंट्स, कॉमा, थोरेक्स में चार सेगमेंट्स, इसको याद रखिएगा, हेड रीजन में पांच, यानी हेड जो इनका होता है पांच सेगमेंट से मिलकर बना होता है, थोरेक्स में चार सेगमेंट्स पाए जाते हैं, थोरेक्स में चार सेगमेंट, व एब्डोमेन रीजन में दो से हंड्रेड सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनके बॉडी में जो सेगमेंट्स हैं वो 2 से 100 सेगमेंट, मतलब 100 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 109 सेगमेंट हम कह सकते हैं पाए जाते हैं, लाइक 109 एंड 10 सेगमेंट्स क्या होते हैं इनके बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है, हम ये कह सकते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, जिसमें हेड रीजन में 5 सेगमेंट, थोरेक्स में 4 सेगमेंट, एब्डोमेन में 2 से 100 सेगमेंट पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लें, इनके हेड पर एक जोड़ी, वन पेयर एंटीना, इनके हेड पर एक जोड़ी
एंटीना कॉमा मैंडिबल, इनके हेड पर एक जोड़ी एंटीना कॉमा एक जोड़ी मैंडिबल व एक जोड़ी, हम ये कह सकते हैं एक एक जोड़ी सारा का सारा पाया जाता है, व एक जोड़ी वन पेयर मैक्सिला पाया जाता है। इनके हेड रीजन पर एक जोड़ी एंटीना एक जोड़ी मैंडिबल व एक जोड़ी मैक्सिला पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनके थोरेक्स रीजन में, इनके थोरेक्स रीजन में याद रखिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके थोरेक्स रीजन में एक एक जोड़ी वन वन पेयर एक एक जोड़ी अपेंडेजेस उपांग एक एक जोड़ी अपेंडेजेस यानी उपांग पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, तथा एब्डोमेन रीजन में यानी कि जो एब्डोमेन रीजन इसका 200 सेगमेंट्स का है, तथा एब्डोमेन रीजन में वन पेयर तथा एब्डोमेन रीजन में टू पेयर लिखिएगा, तथा एब्डोमेन रीजन में टू पेयर यानी प्रत्येक एब्डोमेन रीजन कैसे लिख दीजिए, तथा एब्डोमेन रीजन के प्रत्येक सेगमेंट में, ये सही है, तथा एब्डोमेन रीजन के प्रत्येक सेगमेंट्स में टू पेयर लेग्स दो जोड़ी लेग पाए जाते हैं। इस प्रकार इनकी बॉडी पर मैनी दैट मीन्स बहुत सारे अपेंडेजेस, इस प्रकार इनकी बॉडी पर मैनी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, बहुत सारे अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, राइट। अगला पॉइंट लिख ले, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन ट्रैकिया, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है, यानी जो श्वसन यहां पर पाया जा रहा है वो ट्रैकिया के द्वारा पाया जा रहा है, राइट। अगला पॉइंट लिख लें इसमें, इनमें एक्सक्रीशन या इन सदस्यों में उत्सर्जन मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, इनमें एक्सक्रीशन मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है, मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा हो रहा है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनमें डेवलपमेंट यानी कि जो विकास की बात अगर हम लोग करें तो वो डायरेक्ट प्रकार का होता है, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का या डायरेक्ट प्रकार का होता है, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट टाइप का होता है। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह सभी सदस्य यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स एक लिंगी होते हैं, तथा इनमें, ये भी लिख लो, तथा इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। आप विभेद कर पाएंगे कि मेल
यहाँ पर कौन सा है और फीमेल यहाँ पर कौन सा है। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए फटाफट। तो अगर हम लोग क्लास पारोपोडा या मायरियापोडा के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ या मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसका नाम है सेंटीपीड। सेंटीपीड को हम लोग स्कोलोपेंड्रा के नाम से भी जानते हैं। और जो स्कोलोपेंड्रा है, इसमें कुछ खास बात है। खास बात ये कि इसमें ये एक 100 लेगर्स होता है, दैट मीन्स इसमें 100 लेग्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके एब्डोमेन रीजन में कितने पाए जाते हैं लेग्स, 100 लेग पाए जाते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि जो सेंटीपीड है या स्कोलोपेंड्रा है, इसमें पॉइजन क्लॉज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर पॉइजन पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए खतरनाक है। दूसरा यहां पर जो है वो है मिलीपीड। मिलीपीड्स की खास बात क्या है कि इसको 1000 लेगर कहा जाता है, दैट मीन्स इसके पास में 1000 तक, है ना, 1000 तक लेग्स हो सकते हैं, यहां पर 100 तक और यहां पर 1000 तक लेग्स हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात क्या खास है कि इसके पास में 1000 लेग्स दिए ऊपर वाले ने, बट इसके पास में कोई भी पॉइजन क्लॉज नहीं है, नो पॉइजन क्लॉज। और एक और एग्जाम्पल यहां पर है पारोपस। पारोपस भी जो है वो आपका क्लास पारोपोडा या मायरीपोडा के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सब फाइलम मैंडिबुलेटा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पारोपोडा या मायरोपोडा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में एक और सब फाइलम मैंडिबुलेटा का ही क्लास है, जिसका नाम है इंसेक्टा। अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, क्लास इंसेक्टा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और इसको देखने से पहले खास बात इसमें लिख लीजिए कि इट इज अ लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है वो कौन सी है, क्लास इंसेक्टा। और इस क्लास इंसेक्टा में बहुत सारे इंसेक्ट्स को अभी तक खोजा जा चुका है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा स्वयं एक फाइलम जो है पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। दूसरी बात क्या है कि इस फाइलम में जो सब फाइलम मैंडिबुलेटा रखा गया है, इस सब फाइलम मैंडिबुलेटा की एक क्लास जिसका नाम है इंसेक्टा, वो क्लास भी इस पूरे फाइलम की सबसे बड़ी फाइलम है, सॉरी इस पूरे फाइलम की सबसे बड़ी क्लास है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं सब फाइलम आर्थ्रोपोडा आर द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ द सॉरी लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द किंगडम, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड इट्स क्लास क्लास इंसेक्टा आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो पूरे एनिमल किंगडम की जितनी भी क्लासेस दी गई हैं, उन क्लासेस में जो सबसे बड़ी क्लास मानी गई है वो इंसेक्टा को माना गया है। ये आपके दो मेजर पॉइंट और मेजर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए अब इसके कुछ जनरल फीचर है वो लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखे है, क्लास इंसेक्टा के सदस्यों में, क्लास इंसेक्टा के सदस्यों में मुख्यतः 6 लेग, मतलब 6 पैर यहां पर पाए जाते हैं, मुख्यतः 6 लेग्स पाए जाते हैं, जिस कारण इन्हें हेक्सोपोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लास इंसेक्टा में मेनली अगर आप देखेंगे जितने भी सदस्य रखे गए हैं उनमें 6 क्या है, पैर पाए जाते हैं, और 6 पैर पाए जाने के कारण इनको हम लोग हेक्सोपोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों की बॉडी हेड कॉमा थोरेक्स व एब्डोमेन रीजन में डिवाइड रहती है। इन सदस्यों की बॉडी हेड थोरेक्स व एब्डोमेन रीजन में डिवाइड रहती है, जिसमें इनके हेड रीजन में 6 सेगमेंट, यानी इनका जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, 6 सेगमेंट कॉमा
थोरेक्स में, थोरेक्स में तीन सेगमेंट व एब्डोमेन में 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना, 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो इनके हेड रीजन में 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, यानी कि इनका हेड रीजन 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, थोरेक्स 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और एब्डोमेन रीजन में 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर 20 सेगमेंट पाए जाते हैं, 20 सेगमेंट यहां पर क्या है पाए जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो इनका पूरा बॉडी के अंदर 20 सेगमेंट पाए जाते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में एक या दो जोड़ी, इन सदस्यों में वन या टू पेयर, एक या दो जोड़ी विंग्स, मतलब यहां पर कुछ ऐसे सदस्य हैं जो उड़ते भी हैं, एक या दो जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट, इन सदस्यों के हेड पर वन पेयर एंटीना, इन सदस्यों के हेड पर एक जोड़ी एंटीना व एक जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, व एक जोड़ी कंपाउंड आई, व एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। इन सदस्यों के हेड पर एक जोड़ी एंटीना व एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लें, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन ट्रैकिया, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन मेलिपिगियन टिब्यूल्स, मेलिपिगियन टिब्यूल्स के द्वारा होता है, तथा इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तथा इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के रूप में, तथा इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, राइट। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में डेवलपमेंट, इन सदस्यों में डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष व डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इन सदस्यों में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट व डायरेक्ट अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से या रूप में पाया जाता है, इनडायरेक्ट व डायरेक्ट रूप में पाया जाता है, यानी दोनों रूप में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा डेवलपमेंट इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक और पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट, इस क्लास के सदस्य, यानी क्लास इंसेक्टा के सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये इसके कुछ जनरल फीचर की बात होगी बेटा। अब हम लोग जरा इसके एग्जांपल की तरफ देखेंगे कि क्लास इंसेक्टा में कौन कौन से एग्जांपल रखे गए। तो बहुत सारे इंसेक्टा क्लास में रखे गए, लेकिन मोस्ट कॉमन जो ज्यादा प्रचलित हम लोग जानते हैं जिनके विषय में, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और इसके क्लास इंसेक्टा के कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, बट उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल के विषय में, राइट। तो स्टूडेंट्स, क्लास इंसेक्टा में जो एग्जाम्पल रखे गए वो कौन कौन से हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं।
वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पर है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना को हम लोग कॉकरोच, कॉमन लैंग्वेज में कॉकरोच के नाम से जानते हैं, ये आपको किचन वगैरह में छुपे हुए मिल जाते हैं। उसके बाद में है लेपिस्मा। लेपिस्मा को हम लोग सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। देखिए सिल्वर फिश, फिश यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है दैट मीन्स ये मछली की तरह दिखती है लेकिन ये मछली होती नहीं, ट्रू फिश नहीं है। फिर मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका को हम लोग हाउस फ्लाई कहते हैं, घरेलू मक्खी कहते हैं, पालतू मक्खी नहीं कहते हैं, घरेलू मक्खी कहते हैं, घर घर में पाई जाती है। तो उसके बाद में साइमेक्स बेड बग, जिसको हम लोग खटमल कहते हैं, साइमेक्स भी आपका क्लास इंसेक्टा में रखा गया, ये भी मोस्ट कॉमन है, खटिया वगैरह में पाया जाता है, चारपाई में, ठीक है, और ये खून पीता है रात के समय में जब सोते हैं, दिन में तो आप लेटते नहीं हो। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका को हम लोग हनी भी कहते हैं, मधुमक्खी, इसके बारे में भी आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी कॉलोनी बड़ी अच्छी है इसकी। फिर है पेडिकुलस। पेडिकुलस को हम लोग ह्यूमन लाइस के नाम से जानते हैं, मतलब जो सर में छोटे छोटे वॉर्म हो जाते हैं, वॉर्म नहीं कहेंगे, छत में छोटे छोटे जो इंसेक्ट हो जाते हैं जिनको जुआ कहते हैं, जौ कहते हैं, वो ह्यूमन लाइस, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकुलस, ये भी क्लास इंसेक्टा में रखा गया। फिर उसके बाद में है माइक्रोटर्मिस ओबेसाई। माइक्रोटर्मिस ओबेसाई को हम लोग टर्मिट कहते हैं, ठीक है, टर्मिट्स, दीमक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिट को भी हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छी इसकी कॉलोनी पाई जाती है, इसमें भी राजा रानी जैसे लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, टर्मिट्स होते हैं। फिर उसके बाद में बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई को हम लोग सिल्क मॉथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सब फाइलम मेंडिबुलेटा के जो क्लास है वो फिनिश होते हैं, यानी कि तीन क्लास इसमें इंपॉर्टेंट हमको पढ़नी है। बेसिकली इसको पांच क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मैंने बताया हुआ कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं, पांच नहीं बल्कि छह क्लासेस में, सॉरी, इसको डिवाइड किया गया है। तो मेंडिबुलेटा में छह क्लासेस में तीन क्लासेस इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो पहली क्लास हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस की थी वो है क्रस्टेशिया, दूसरी क्लास हम लोगों ने यहाँ पर पैरापोडिया या पैरापोडा या माइरियापोडा के नाम से डिस्कस किया, और तीसरी क्लास हमारी जो लास्ट है इंसेक्टा वो डिस्कस कर लिया। डिप्लोपोडा, किलियोपोडा और सिम्फाइला, ये आपकी क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमएससी में जब आप पहुँचेंगे तो इसके ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पर डिस्कस करने होंगे। देन इसके बाद में हमारे ये सब फाइलम मैंडिबुलेटा कंप्लीट होता है। सेकेंड जो सब फाइलम हमारा है वो है कैलीसेरेटा। तो सेकेंड सब फाइलम हेडिंग डाल दीजिए कैलीसेरेटा। चलिए तो हमारा जो यहाँ पर सेकेंड सब फाइलम है वो कौन सा है, कैलीसेरेटा। तो सब फाइलम सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए कैलीसेरेटा। इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लें, इस सब फाइलम में मुख्यतः, या इस सब फाइलम को मुख्यतः तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक जो यहाँ पर फर्स्ट क्लास रखी गई जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेरोस्टोमेटा, जिन्हें क्रमशः नंबर एक मेरोस्टोमेटा, नंबर दो एरेक्निडा, ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, और इस सब फाइलम के अंतर्गत हम लोग एरेक्निडा के बारे में ही जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, राइट। एंड थर्ड यहाँ पर जो आपकी क्लास दी गई है उसको हम लोग बोल रहे हैं पिक्नोगोनिडा, ठीक है। तो ये भी कुछ खास क्लास नहीं है। तो इनमें तीन क्लास दी गई हैं, पहला है मेरोस्टोमेटा, दूसरा है एरेक्निडा और तीसरा है पिक्नोगोनिडा, जिसमें से आपकी एरेक्निडा जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट है, और इसी क्लास की हेडिंग डाल दीजिए एरेक्निडा, इसके बारे में जनरल फीचर देखते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा वो कौन सी है, एरेक्निडा है। इस एरेक्निडा के कुछ जनरल फीचर हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, इस क्लास के सदस्य मुख्यतः टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य एक्वाटिक दैट मीन्स जलीय भी होते हैं,
लेकिन कुछ सदस्य एक्वाटिक मीन्स जलीय भी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख ले। इन सदस्यों की बॉडी, इन मेंबर्स की बॉडी दो सेगमेंट से बनी होती है, टू सेगमेंट से बनी होती है, यानी कि इनके पूरे शरीर में दो सेगमेंट्स पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं इन सेगमेंट्स की बॉडी बॉडी दो सेगमेंट्स से बनी होती है, जिसमें एंटीरियर सेगमेंट यानी कि जो अगला सेगमेंट है, जिसमें एंटीरियर सेगमेंट प्रोसोमा PROSOMA, जिसमें एंटीरियर सेगमेंट प्रोसोमा तथा पोस्टीरियर सेगमेंट यानी कि पिछला जो खंड होगा, पिछला जो सेगमेंट होगा, पोस्टीरियर सेगमेंट ओपिस्थोमा या ओपिस्थोसोमा, पोस्टीरियर सेगमेंट ओपिस्थोसोमा कहलाता है, ओपिस्थोसोमा कहलाता है। आगे लिख लें, यह ओपिस्थोसोमा यानी कि जो पोस्टीरियर एंड पर या पोस्टीरियर सेगमेंट में जो ओपिस्थोसोमा होता है, ये अगेन इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। ओपिस्थोसोमा आगे चलकर मीजोसोमा MESOSOMA आगे चलकर मीजोसोमा व मेटासोमा में डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो सदस्य पाए जा रहे हैं, इनमें जो बॉडी सेगमेंट है उसमें सिर्फ सेगमेंट दो पाए जाते हैं, जिसमें एंटीरियर सेगमेंट जो इनका होता है वो प्रोसोमा कहलाता है, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो ओपिस्थोसोमा कहलाता है। ओपिस्थोसोमा आगे चलकर के मीजोसोमा और मेटासोमा में क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाता है या डिवाइड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में सिक्स पेयर यानी छह जोड़ी अपेंडिजेस उपांग, इन सदस्यों में छह जोड़ी उपांग सिक्स पेयर अपेंडिजेस पाए जाते हैं, जिनमें एक जोड़ी वन पेयर कैलिसेरी, जिनमें एक जोड़ी कैलिसेरी कॉमा एक जोड़ी जो यहां पर कैलिसेरी होगा विद पॉइजनस ग्लैंड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा विद पॉइजनस ग्लैंड, यानी कि जो कैलिसेरी यहां पर पाई जा रही एक जोड़ी, इनके अंदर पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है, दैट मींस इनमें पॉइजनस होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो एक जोड़ी कैलिसेरी विद पॉइजनस ग्लैंड कॉमा एक जोड़ी पेडिपल्स, वन पेयर पेडिपल्स, एक जोड़ी पेडिपल्स, इसको हम लोग पद स्पर्शक के नाम से जानते हैं। और ये जो पेडिपल्स होते हैं ये कपुलेटरी ऑर्गन के रूप में होते हैं, तो कपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कपुलेटरी, मैथुनी अंग होते हैं, कपुलेटरी ऑर्गन इन मेल। तो जो उसमें मेल सदस्य होता है डेफिनेटली यूनिसेक्सुअल होगा, तो उसमें जो मेल सदस्य होता है उसमें कपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पेडिपल्स पाए जाते हैं, और जो पेडिपल्स होते हैं वो वन पेयर होते हैं। तो एक जोड़ी पेडिपल्स
तथा इनमें फोर पेयर्स, चार जोड़ी वॉकिंग लेग, यानी चार जोड़ी वॉकिंग लेग पाए जाते हैं, इनमें फोर पेयर्स वॉकिंग लेग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे हैं, इन सदस्यों में विंग्स कॉमा एंटीना, इन सदस्यों में विंग्स कॉमा एंटीना व जॉज जबड़े, विंग्स कॉमा एंटीना व जॉस, दैट मीन्स जबड़े, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स व कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन दैट मीन्स श्वसन के लिए ट्रैकिया व बुक लंग्स पाए जाते हैं, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया व बुक लंग्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में डेवलपमेंट यानी कि विकास डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रकार का, डायरेक्ट टाइप का होता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, क्लास एरेक्निडा के सदस्य यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल सदस्य यहां पर अलग होगा। तो ये हमारा हो गया क्लास एरेक्निडा के जनरल फीचर। अब क्लास एरेक्निडा में कुछ एग्जांपल भी यहां पर रखे गए, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो यहां पर जो एग्जांपल दिए गए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं, कई बार ये जनरल फॉर्म में जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर पहला है पेलेजियस। तो पेलेजियस जो है इसको हम लोग स्कॉर्पियन के नाम से जानते हैं, बिच्छू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बिच्छू जो है वो क्लास एरेक्निडा के अंतर्गत रखा गया है, और जो क्लास एरेक्निडा है वो सब क्लास कीलियोसेरेटा के अंतर्गत आती है। ठीक है, लाइकोसा में आपका रखा गया वुल्फ स्पाइडर, भेड़िया मकड़ी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और थर्ड यहाँ पर रखा गया है एग्लिना को हम लोग फनल वेव स्पाइडर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक और स्पाइडर रखी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं वेनमस स्पाइडर, दैट मीन्स ये जहरीली मकड़ी होती है। वेनम मतलब होता है जहर, विष पॉइजन, ये पॉइजनस स्पाइडर होती है जिसका जूलॉजिकल नाम है लेक्टोडेक्टस
मैक्टेंस, लैक्टोडैक्टस मैक्टेंस इसका जूलॉजिकल नेम है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सब फाइलम का, जो सब फाइलम कैलीसीरेटा है, इस कैलीसीरेटा का क्लास एरेक्निडा हमारा कंप्लीट होता है, और इस सब फाइलम में आपको यही क्लास पढ़नी है। इसके बाद में जो हमारा सब फाइलम, एक लास्ट सब फाइलम बनता है जिसका नाम है ट्राइलोबाइटा, तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। तो थर्ड सब क्लास हमारी कौन सी है, सब क्लास, सॉरी सब फाइलम, सब फाइलम ट्राइलोबाइटा, ट्राइलोबाइटा, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट लिख लें, हेडिंग डाल दीजिए सब फाइलम ट्राइलोबाइटा। लिखें, इस सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स एक्सटिंक्ट, मैं लिखा देता हूं तो ज्यादा बेहतर है, इस सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तथा इन सदस्यों की बॉडी, ये लिख लो, तथा इन सदस्यों की बॉडी ओवल शेप्ड अंडाकार होती थी, इन सदस्यों की बॉडी ओवल शेप दैट मीन्स अंडाकार होती थी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये आज जो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये कंप्लीट होता है, राइट। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो पेलेमोन के ऊपर रहेगा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ना है, यहाँ पर प्रॉन पढ़ना है, झींगा मछली पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे।